नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन से लगी सीमाओं की सुरक्षा को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में पूंजी निवेश के लिए 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों की नवगठित शाखाओं पर लगाम लगाने के लिए कश्मीर के 4 जिलों में छापे मारे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र एशेज टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 89 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। इनमें रानी कमलापति जबलपुर, खजुराहो भोपाल इंदौर, मडगांव मुंबई, धारवाड़ बेंगलुरू और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल हैं। इनसे गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत रेलगाड़ी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन और हरदीप सिंह पुरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्र ने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता 2023-24 योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। एक रिपोर्ट। इस योजना का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। योजना में जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिस्से के रूप में राज्यों को धनराशि आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य सरकारों को कुल 1,30,000 करोड़ रुपए का 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। 16 लाभार्थी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देवव्रत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1,000 रूपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रूपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ 1 और 2 जुलाई को प्रगति मैदान नई दिल्ली में 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए ncui17icc.com पर विजिट करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को विश्वास दिलाया है कि सरकार देश की सीमा, इसके सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को
हर कीमत पर बरकरार रखेगी। आज जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए सीमाओं में कुछ एकतरफा बदलाव करना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेनाओं ने पीएलए के मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि गलवान देश के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। श्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे को हल करने के सरकार के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे और भारत में शामिल होना चाहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर के चार जिलों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों की नई शाखाओं पर कई छापे मारे। अभिकरण ने कुलगाम, बांदीपुरा, शोपियां और पुलवामा जिले में 12 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें प्रतिबंधित आतंकवादी गुटों की नवगठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के आवासीय परिसर शामिल थे। इन संगठनों से सहानुभूति रखने वालों और कैडरों के परिसरों की भी बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। इस दौरान एनआईए ने कई डिजिटल उपकरण बरामद किए। जांच से पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से मादक पदार्थों को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों को कतई बर्दाश्त न करने की जो नीति अपनाई है, आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा और मादक द्रव्य तस्करी निषेध दिवस पर अपने संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ के खिलाफ इस मुहिम में देश की सभी प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, निरंतर दृढ़ता से काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी के लिए पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना की है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री ओबामा के शासनकाल में कई मुस्लिम देशों पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि श्री ओबामा को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानता है। श्री राजनाथ सिंह का यह बयान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मीडिया साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री की अमेरिकी राजकीय यात्रा पर की गई टिप्पणी के बाद आया है। मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में कर्फ्यू बढ़ा दिया है और विभिन्न जिलों में कर्फ्यू उल्लंघन के सिलसिले में 185 लोगों को हिरासत में लिया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने पिछले 24 घंटे के दौरान इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, कांगपोकपी और चूड़ाचांदपुर जिले के संवेदनशील और सीमांत इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने विभिन्न जिलों में 100 से अधिक चौकियां भी स्थापित की। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें राज्य की ताजा स्थिति से अवगत कराया। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज पशुओं के वास्ते नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदन पोर्टल नंदी की शुरुआत की। नंदी पोर्टल को पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटलीकरण करने के लिए विकसित किया गया है। श्री रूपाला ने पोर्टल के शुभारंभ को समय पर उठाया गया कदम बताया। प्रधानमंत्री जी के
दो बड़े इनिशिएटिव, पशुपालन क्षेत्र के लिए पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का और मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का, ये दो निर्णयों से भारत के पशुपालक और पशुधन क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। इसके चलते अब सारे देश के पशुपालन क्षेत्र के हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है और इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूती देने के लिए ये नंदी पोर्टल बहुत ही एक साधन के रूप में काम में आएगा। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में तेज वर्षा होने की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र अभी उत्तर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उसके प्रभाव से जो है वेरी हैवी रेनफॉल जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान, कोंकण एंड गोवा में होगा। उसके साथ साथ हमारा जो हिमालयन का क्षेत्र है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी से और भारी बारिश हो सकता है और ये सब जगह में ऑरेंज कलर अलर्ट है। बॉम्बे में लास्ट 24 आवर्स में लाइट टू मॉडरेट रेन हुआ है और येलो कलर वार्निंग है। बॉम्बे में रेन रिड्यूस हुआ है, अभी आइसोलेटेड हैवी रहेगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक भागों में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी वर्षा से आई बाढ़ से कई पशुओं, गाड़ियों के बहने और अन्य संपत्ति को नुकसान हुआ है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों में हुए भूस्खलन से अभी 83 सड़कें बंद हैं, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हैं। जिला मंडी में 22 घंटों के बाद मंडी कुल्लू बायाकटोला मार्ग यातायात के लिए बहाल हो गया है, जबकि चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी अवरुद्ध है। दूसरी ओर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पराशर में फंसे चंबा के लगभग 100 विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। शिमला सहित आसपास के इलाकों में भी दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 89 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एश गार्डनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट लिए। इंग्लैंड को जीत के लिए 268 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 178 रन पर ही सिमट गई। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार तन्ना 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार युवाओं को साहसिक कार्य के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। आवेदन अगले महीने की 14 तारीख तक www.awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। 5 दिन चलने वाली इस यात्रा में दुनिया भर से लगभग 20 लाख जायरीन सऊदी अरब के मीना शहर में इकट्ठे हुए हैं। वे वहां रात गुजारेंगे और कल तड़के अराफात के मैदान में हज की प्रमुख रस्म अदा करेंगे। भारत से करीब 1,75,000 जायरीन इस बार हज में हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर अपराध और साइबर जागरूकता विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन से लगी सीमाओं की सुरक्षा को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में पूंजी निवेश के लिए 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों की नवगठित शाखाओं पर लगाम लगाने के लिए कश्मीर के 4 जिलों में छापे मारे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र एशेज टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।